फ्रेंड्स, अगर आपकी आर्म्स पे फैट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे लटकी हुई अगर आपकी स्किन है आर्म्स की, तो आज मैं आपको तीन एक्सरसाइज बताऊंगी। इन तीनों एक्सरसाइज को आपको सिर्फ मेरे साथ साथ अभी करना है, और ये एक्सरसाइज करने के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आर्म्स पे आपको प्रेशर फील हुआ, नहीं हुआ, या आपको मजा आया, नहीं आया अपनी आर्म्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ साथ में ये एक्सरसाइज कर ली, अगर आपने अच्छे तरीके से जैसे बताते जाऊंगी वैसे और उतनी बार अगर कर ली, तो 100% आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखेंगे कि यस वी गेट इट, मजा आ गया करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, हाथों को इस तरह से साइड में खोल लीजिए, हथेलियां अभी आपको इसे सामने की तरफ रखनी है, और आपको 10 बार इसको इस तरह से हल्का हल्का हिलाना है। सो कम ऑन, लेट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेलियों को पीछे की तरफ एंड डू द सेम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेलियां नीचे की तरफ एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेलियां ऊपर सीलिंग की तरफ एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी का एक और राउंड लगाएंगे चारों का, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर लास्ट राउंड। 1, 2, यस यू डिड इट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मजा आया। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके आर्म के फैट को भी रिड्यूस करती है, ये आपके आर्म्स के लिए जैसे होते हैं ना कार्डियो एक्सरसाइज हम करते हैं अपने हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, अपना पेट कम करने के लिए, या पूरी बॉडी के फैट को रिड्यूस करने के लिए, तो इसी तरीके से ये आपके हाथों के लिए कार्डियो काम करती है। सारी मसल्स आपकी एक्टिव हो जाती हैं, आपको बहुत अच्छा सा बढ़िया मीठा मीठा सा दर्द आपके आर्म्स में फील होता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट आपकी आर्म्स पे होएगा, आपकी स्किन जितनी ज़्यादा लूज होएगी, उतना ज़्यादा प्रेशर आपको महसूस होगा अपनी आर्म्स पे। आप इसको रेगुलरली कीजिए, अभी मैंने 2 राउंड बताए हैं, आप इस तरीके से 5 राउंड तक भी एक बार में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से बैठ जाइए मैट के एक साइड पर, अपने दोनों हाथों को आप ऐसे सामने लेके आइए, ऐसे रखिए, दोनों हाथों को इस तरह से मेजर कीजिए, आपके दोनों हाथों के जो कोहनियां हैं वो इस तरह से आपके हथेलियों के अंदर चले जानी चाहिए, इस तरीके से सामने प्लेस कीजिए ऐसे। अब दोनों हाथ कोहनियों को उसी जगह पे रखिए, हथेलियां आगे निकालिए, आपस में इस तरह से इंटरलॉक कीजिए, और इस तरह से धीरे से पैरों को पीछे कीजिए हल्का सा। आप अपने टोस को नीचे टक करेंगे और अपने घुटनों को सामने सीधा करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से आपको आगे शिफ्ट होना है एंड देन बैक, बस इस तरीके से। सर को नीचे नहीं लगाना है, प्लस घुटने आपको नहीं मोड़ने हैं, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, और ये हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। जस्ट फील योर शोल्डर्स एंड आर्म्स, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the last 10. Drop your knees and just relax. ये एक्सरसाइज भी आपके आर्म्स के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से आपको फुल प्लैंक का पोजीशन लेना रहेगा, एकदम सीधे ऐसे। अब धीरे से अपने हाथ को आपको ऊपर करना है एंड देन डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, दोनों हाथ से। ठीक है, सो कम ऑन, लेट्स डू इट फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। 1, 2, जितना ऊपर आप ला सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
बिल्कुल आराम आराम से। ये एक्सरसाइज आपके आर्म्स के फैट को भी रिड्यूस करती है, प्लस आपके आर्म्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, जिससे कि आपका पोस्चर भी सही रहता है और आपकी जो सैगी आर्म्स की प्रॉब्लम है वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन तीनों एक्सरसाइज का मिनिमम आपको इतने रेपिटेशंस करने हैं। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए आप इनके रेपिटेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक्सरसाइजेस मेरे साथ में करके बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी प्रेशर आप अपने हाथों पे अपनी मसल्स पे फील कर रहे होंगे। डू इट रेगुलरली एंड फाइंड द रिजल्ट्स। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।